आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और सेकंड पार्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें अगर, तो जो इसमें मेम्ब्रेन होती है वो आर लूजली बाउंड। ये कैसे होते हैं? लूजली बाउंड प्रोटीन्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। कैसे प्रोटीन्स होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कम्प्लीटली और पार्शली क्या होते हैं? एम्बेडेड, आर एम्बेडेड पूरी तरह से या आधी तरह से किस थ्रू दी लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उनको हम और क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल प्रोटीन्स, क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल प्रोटीन्स बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन्स, इसका दूसरा नाम है। और इनको क्या बोल सकते हैं? इनको दूसरा क्या बोल सकते हैं? इंटरनल प्रोटीन्स, क्योंकि ये अंदर रहते हैं, इंटरनल प्रोटीन्स बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रियल प्रोटीन्स, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं कि भाई ये कैसे होते हैं, जो कौन होते हैं? एक्सट्रिंसिक होते हैं वो मोर हाइड्रोफिलिक, लेस हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये कैसे होते हैं? उल्टा होता है, मोर हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हम कह सकते हैं लेस हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट था हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब आता है प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स में डिफरेंशिएट। क्या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसी होती हैं ये? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डेट बड फ्रॉम गॉल्जी अपैरेटस। और ये क्या बनाती हैं? ये सिंपली ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो फॉर्म करती हैं कॉम्बिनेशन, फॉर्म द कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का, एंड फेगोसोम का कॉम्बिनेशन बनाती है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है? लाइसिस टेक्स प्लेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेकंड हम बोल सकते हैं ये क्या होती हैं? स्टोरेज वैक्यूल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोरेज वैक्यूल्स बोलते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ठीक है। हम सिंपली कह सकते हैं जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या नहीं रिलीज करते? डू नॉट रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो खराब
गंदे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इन गंदगी होती है, जो वेस्ट हो जाते हैं, जो मतलब अंदर जो मैं उसके, वो ये रिलीज नहीं करते हैं, बट ये रिलीज करते हैं। तो ये क्या आएगा, रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमसे यही पूछा गया था कि डिस्टेंस गज करना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में और प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।